नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 6 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रैक आज पहुंचेगा बिहार। भागलपुर पुल हादसे का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 269 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे बहाल। ओडिशा रेल हादसे में पीड़ितों की मदद के लिए युजवेंद्र चहल आए आगे। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 6 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार पुलिस के 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नए पदों पर पदस्थापित व तबादला कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार जिन वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें नागरिक सुरक्षा के अपर पुलिस महानिदेशक सह अपर आयुक्त निर्मल कुमार आजाद को, तकनीकी सेवाएं व वितंतु को अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। एससीआरबी एवं आधुनिकीकरण के अपर पुलिस महानिदेशक कमल किशोर सिंह को नागरिक सुरक्षा का अपर पुलिस महानिदेशक सह अपर आयुक्त बनाया गया है। पुलिस उप निरीक्षक राजेश कुमार को बिहार विशेष सहस्त्र पुलिस बल का महानिरीक्षक बनाया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे मोहम्मद सफीउल हक का बिहार विशेष सशस्त्र को पुलिस मुजफ्फरपुर का पुलिस उप महानिरीक्षक बनाया गया। विनोद कुमार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस केंद्रीय मंडल का पुलिस उप महानिरीक्षक बनाया गया और तकनीकी सेवा एवं वितंतु के अपर पुलिस महानिदेशक सुनील कुमार झा को एससीआरबी व आधुनिकीकरण का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। रोहतास अधौरा सड़क का जल्द शुरू होगा निर्माण। पर्यटकों को रोहतास जिला मुख्यालय से सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर जाने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पथ प्रमंडल विभाग की ओर से बहुत जल्द ही रोहतास रहल अधौरा वन सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बता दें सड़क के निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया लगभग फाइनल हो गई है। बता दें कि अगर इस सड़क का निर्माण हो जाता है तो पर्यटन के साथ साथ स्थानीय वनवासियों को भी फायदा व लाभ मिलेगा। मालूम हो कि सड़क का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य 2 साल रखा गया है, जो कि करीब 1,34,00,00,000 रुपए की लागत से बनाने वाली है। मालूम हो कि सड़क निर्माण के संबंध में संवेदक को 21 दिनों के अंदर इकरारनामा का कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रैक आज पहुंचेगा बिहार। बहुत जल्दी बिहार वासियों को पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का सौगात मिलने वाला है। दरअसल आज यानी कि 6 जून को 8 बोगी वाली पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का नया कार रैक बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन स्थित कोचिंग कॉम्प्लेक्स पहुंच जाएगा, जिसके बाद इस ट्रेन का ट्रायल रन कराया जाएगा और फिर इसके परिचालन की तारीख तय की जाएगी। हालांकि उससे पहले पटना से रांची तक के लिए रेलवे ट्रैक पर संरचना मानकों को दुरुस्त किया जा रहा है। मालूम हो कि पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तारीख की घोषणा होने पर इसकी आधिकारिक रूप से सूचना दी जाएगी। बालासोर रेल हादसे में अब तक कितने बिहारियों की गई जान। बीते शुक्रवार की शाम को हुए उड़ीसा के बालासोर में भयावह रेल दुर्घटना से पूरे देश में शोक की लहर है। मालूम हो कि इस हादसे में 270 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है तो वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। वहीं अगर हम बिहार वासियों की बात करें तो जिन्होंने इस रेल हादसे में अपनी जान गंवा दी है, मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 24 से अधिक बिहार के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं 50 लोगों से अधिक के घायल होने की बात कही जा रही है। वहीं 22 से अधिक लोग ऐसे हैं जो लापता है, यानी कि उनकी कोई सूचना नहीं मिल पा रही। हालांकि इन सभी आंकड़ों को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिन भी राज्य के अलग अलग जिलों के लोगों ने अपनी जान गंवाई है वहां के गाँव में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। भागलपुर पुल हादसे का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट। बिहार के भागलपुर में हुए हादसे को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब यह मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। दरअसल इस मामले को लेकर अधिवक्ता मणिभूषण सिंगर की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया गया है कि पुल इसलिए ढहा है क्योंकि इसके निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया है और करप्शन किया गया है। इसके साथ उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा करवाई जानी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि सबके साथ याचिका में यह भी कहा गया है कि पुल निर्माण करने वाली कंपनी SP सिंगला कंस्ट्रक्शन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और जो भी नुकसान हुआ है उनसे भरपाई की जाए। मैथिली ठाकुर ने उड़ीसा के लोगों को इस वजह से दिया धन्यवाद। प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर के द्वारा उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए उड़ीसा के लोगों को धन्यवाद बोला गया है। उन्होंने कहा कि जब हम सफर करते हैं तो अगर किसी प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं घट जाती है तो अंदर से दिल दहल जाता है। वहां के लोग हादसे के वक्त एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, जिससे कि पता चलता है कि अभी भी वहां के लोगों के बीच इंसानियत जनता है। संकट की घड़ी में उन्होंने जो मानवता दिखाई है वह आज के समय में कम ही देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि जिनके घर में मौत हुई है के घर में क्या बीत रही होगी मैं खुद समझ सकती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मृत लोगों को भगवान शांति दे। बता दे कि यह सभी बातें उन्होंने दरभंगा में एक शोरूम के उद्घाटन के दौरान कही।
सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 269 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे बहाल। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में मौजूद सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी को दूर करने के लिए 269 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। दरअसल बीपीएससी की ओर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 287 पदों के लिए बहाली निकाली गई थी, जिसके बाद परीक्षा के अंतिम नतीजे घोषित किए गए तो उसमें 269 अभ्यर्थी सफल पाए गए, जिन्हें अब राज्य के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के में बहाल किया जाएगा। बता दें कि इन असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जिन कॉलेजों में की जाएगी उनमें एमआईटी मुजफ्फरपुर में 8, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5, बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में 7, गोपालगंज और समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 17-17 और अरवल और सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज में 16-16 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। बेगूसराय में मेडिकल फील्ड में काम करने वालों के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी मेडिकल फील्ड से आते हैं और नई नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बेगूसराय जिला नियोजनालय कार्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के बेगूसराय में मेडिकल के क्षेत्र में जिला नियोजनालय के द्वारा आईटीआई के सामने सभागार में 1 महीने तक सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले और पहले पाव के तर्ज पर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। मालूम हो कि बेगूसराय के निजी अस्पतालों के द्वारा नर्सिंग और मार्केटिंग के क्षेत्र में 20 सीटों पर रोजगार देने का निर्धारित किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो नर्सिंग के लिए अभ्यर्थी के पास जीएनएम या बीएससी होना अनिवार्य है, तो वहीं मार्केटिंग के लिए एमबीए या फिर बैचलर की डिग्री होना अनिवार्य है। हालांकि इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए पहले आवेदकों को नियोजन विभाग के पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। बिहार से यूपी पहुंची नई पेंशन निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। 1 जून को बिहार के चंपारण से निकले नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में नई पेंशन स्कीम निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। बता दें कि इस दौरान बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में हजारों की संख्या में टीचर्स कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा यात्रा में आए कर्मचारी नेताओं का स्वागत किया गया। मालूम हो कि इस दौरान विजय बंधु के द्वारा सभी को संबोधित करते हुए कहा गया कि आप लोग की संख्या पूरे देश में 1 करोड़ है और अगर 1 करोड़ लोगों में से प्रत्येक परिवार से 5 वोट को भी जोड़ लेते हैं तो पूरे 5 करोड़ वोट जाते हैं। इसलिए यदि सरकार की ओर से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की जाती है तो वोट की चोट से इस सरकार को हटाकर नई सरकार दिल्ली में बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता हम चुप नहीं बैठेंगे। अगवानी पुल हादसे पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए सीएम नीतीश। बिहार के भागलपुर में खगड़िया में गंगा नदी पर बन रही अगवानी पुल के गिरने से एक तरफ जहां बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर अब इस पुल के गिरने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया जा रहा है। बता दें कि एक व्यक्ति ने ट्रोल करते हुए लिखा कि पुल बनाने में इतना भ्रष्टाचार करो कि एक पुल 4 बार गिरे। वहीं दूसरा व्यक्ति लिखता है कि खगड़िया पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिलान्यास के बाद 2015 से पुल के निर्माण का काम चल रहा है। तीसरा व्यक्ति लिखता है कि खगड़िया पुल की लागत 1,710.77 करोड़ रुपए बताई जाती है। पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। मालूम हो कि इन सभी कमेंट्स के साथ लोगों के द्वारा मीम्स के तौर पर कुछ तस्वीरें भी डाली गई है। पवन सिंह को आरा से टिकट देने पर खेसारी का बड़ा दावा। हिट मशीन के नाम से मशहूर खेसारी लाल यादव के द्वारा ईटीवी से हुए साक्षात्कार में पवन सिंह को आरा से टिकट देने पर एक बड़ा दावा किया गया है। दरअसल जब उनसे भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के चुनाव लड़ने से सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि पवन सिंह को कभी आरा से टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सांसद आर के सिन्हा जी काफी अच्छे कवि के नेता है और जनता के दिलों पर राज करते हैं। ऐसे में हो सकता है कि पवन सिंह को कहीं और से टिकट मिल जाए, लेकिन आरा से मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी छवि देकर टिकट देती है और पवन सिंह की छवि वैसी नहीं है। वैसे उनको टिकट मिले तो अच्छी बात है, चुनाव भी जीते मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। धीरेन्द्र शास्त्री पर मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार दौरा खत्म हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी उनकी चर्चा बिहार से खत्म नहीं हुई है। बता दें कि एक बार फिर से बिहार सरकार में मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव के द्वारा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला बोला गया है और चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि हम सबके बाबा हैं, हम ऐसे बाबा हैं कि जमीन से लेकर पाताल तक नाप देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में इतने बाबा आए, लेकिन अगर हमारे सामने कोई बाबा खड़ा हो गया तो हम उसको बता देंगे कृष्ण भगवान ने जंगल में जाकर बांसुरी बजाई, जंगल में जाकर गाय चराई और हमको जंगल डिपार्टमेंट ही मिला। हम भगवान विष्णु के भक्त हैं। जरा सोचिए कि जो विभाग हमको मिला है वो कितना अच्छा है, इसमें बहुत सारे स्कोप है। सबसे बड़ी चीज है कि आपको पृथ्वी को बचाना है, समझिए ये जिम्मेदारी भगवान के द्वारा मिली है। जनता ने लगाया काम न करने का आरोप तो भड़के पशुपति पारस। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिनमें उनके और 3 बुजुर्गों के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। दरअसल वायरल हुए वीडियो के अनुसार बुजुर्गों के द्वारा मंत्री पशुपति पारस पर काम न करने का आरोप लगाया गया, जिस पर मंत्री के द्वारा सफाई देते हुए गर्म लहजे में जवाब देते हुए बोला गया कि आप गलत बोल रहे हैं। बता दें कि मंत्री पशुपति पारस एक ट्रेन के ठहराव का उद्घाटन करने के लिए मनार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि मैं हाजीपुर
उड़ के जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए सेवक बनकर सेवा करने आया हूँ। जिस पर बुजुर्गों ने कहा कि आप जनता का देख रेख क्या करेंगे, चुनाव के समय सेवक बन जाते हैं, चुनाव खत्म होता है तो मालिक। जिसका जवाब देते उन्होंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं बार बार कहूंगा कि आप गलत कह रहे हैं, आप वोट दीजिए या मत दीजिए लेकिन आप गलत कह रहे हैं, नेवर नेवर नेवर, मैं आपकी बातों को कभी सही नहीं कहूंगा। ओडिशा रेल हादसे में पीड़ितों की मदद के लिए युजवेंद्र चहल आए आगे। बीते शुक्रवार की शाम को ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में कई लोगों की जानें चली गई तो वहीं कई लोग घायल भी हो गए, लेकिन इन सबके बीच इस घटना में पीड़ित लोगों की मदद के लिए कई लोगों के द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है। बता दें कि इसी कड़ी में अब टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल भी पीड़ितों की मदद के लिए आ गया है। दरअसल युजवेंद्र चहल के द्वारा इस घटना में घायल हुए लोगों की मदद को लेकर 1,00,000 रुपए डोनेट किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल घायलों के इलाज में किया जाएगा। मालूम हो कि अकाली चहल के द्वारा स्काउट गेमिंग चैनल द्वारा आयोजित स्ट्रीम में किया गया है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन मदरा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने मदरा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुमारी संजना, रंजीत मिश्रा, प्रमोद राम, कमलेश शर्मा, मोटू रंगीला, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद अफजल मंसूरी, अनवर करीम खान, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो, उमेश श्रीसुदेव, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार को क्या क्या सख्त कदम उठाने चाहिए। आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।